हरी श्याम प्यारे की बोले खाटू नरेश की ये बड़ा आज सौभाग्य की बात है। विशाल भैया कहाँ पर है? विशाल भैया देखोगे आपकी आवाज संबलपुर यूट्यूब में। विशाल भैया कहाँ पर? देखो ये अक्सर एक चीज होता है कि जो कीर्तन कराता है वो कीर्तन सुनता है और जो पार्टी देता है वो कभी पार्टी नहीं खाता है। तो चिंता लग रहती है कि भाई हमारे यहाँ तो ये हकीकत है ये। और मैं तो आज बड़े सौभाग्यशाली हैं हम और ये ठाकुर जी हाजी और आगे भी होगा कम से कम 11 तो होना ही चाहिए। बाबा की कृपा बनी रहे तो 11 क्या ही कावन भी कर देंगे कोई दिक्कत की बात नहीं। तालियां उससे रहेंगी जो तो ये हमारे विशाल भाई जो कीर्तन करा रहे बड़े प्यार से आज हमारे सामने आइए। तो मैं ये देखा मैं इतना साल से कीर्तन कर रहा हूँ देखता हूँ जो कीर्तन करता है ना करवाता है वो कभी सुनता नहीं हो देखता कि हमारे मेहमान गेस्ट आ रहे हैं बड़ा व्यस्त रहता है। तो ये चिंता मत करो सब जानते प्रसाद खा लेंगे बाबा के दर पे धोख खा लेंगे। आप मुकेश भाई 108 नंबर का कीर्तन मैं अपने घर में रखा था 300 आदमी का भंडारा किया था 600 आदमी आ गए मैं ताजुब हो गए बोला आप तो मेरी इज्जत गई मैं तो भाग गया। हमारे युवा मंच के पराग भाई एक दो थे भाई बाबा की चमत्कार हुई 300 आदमी का भंडारा किया था 600 आदमी खाए खाली मैं और ये और इनका लड़का खाली पूरी सब्जी लास्ट में खाया। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है बाबा करते ही इसलिए कहता हूँ शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार हाथ उठाना जरा सीधे सीधे और ताली बजा के ठाकुर जी का शुक्रिया अदा करना कहना एक भैरो